द लेटेस्ट वीडियो ऑफ आर्ट्स विद आयशा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसकी टाइमिंग थी फ्रॉम 16th century AD टू 19th century AD। सो पिछले 3 चैप्टर्स की तरह इस यूनिट में भी हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इस स्कूल के मेन फीचर्स और सब स्कूल। डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के सब स्कूल्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, हैदराबाद एंड गोलकोंडा। ये पेंटिंग्स इन्हीं सब स्कूल से ओरिजिन हुई थी, ओरिजिन में आई थी इन सब प्लेसेस से। सो इस स्कूल में सिर्फ 5 पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको आर्टिस्ट के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्कूल की, क्योंकि सारे आर्टिस्ट अननोन हैं। ऑल द आर्टिस्ट आर अननोन, वी डोंट नो हु आर द पेंटर्स ऑफ द दीज पेंटिंग्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट पेंटिंग जो है रागिनी पटम शिखा, आर्टिस्ट इज अननोन, जो सब स्कूल है अहमदनगर। सेकेंड पेंटिंग इज सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, आर्टिस्ट इज अननोन एंड सब स्कूल इज बीजापुर। थर्ड पेंटिंग इज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, आर्टिस्ट यू नो, सब स्कूल इज हैदराबाद। फोर्थ पेंटिंग इज डांसर्स, आर्टिस्ट अननोन एंड सब स्कूल अगेन इज हैदराबाद। तो हैदराबाद सब स्कूल से 2 पेंटिंग हैं। लास्ट एंड द 5th पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो, आर्टिस्ट अननोन, सब स्कूल इज गोलकोंडा। सो गाइज, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इंट्रोडक्शन। डेक्कनी पेंटिंग ब्रॉडली डिनोट्स टू द मिनिएचर पेंटिंग रेंजेस फ्रॉम 16th to 19th century। ये इसकी टाइमलाइन है, 16th to 19th century के बीच में जितनी भी पेंटिंग्स आई थी हम उसे डेक्कन में क्लासीफाई करते हैं। एट कौन से रीजन में आई थी याद कर लीजिएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और हैदराबाद, 4। ये सारे जो रीजन्स हैं, दी स्टेट्स फ्रॉम द रीजन विच इज़ नोन एज डेक्कन। डेक्कन मीन्स साउथ। एंड डेक्कनी इस्लामिक पेंटिंग्स जो थी वो इंडिकेट करती थी एक पेंटिंग स्टाइल को, जो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के ड्यूरिंग ही डेवलप हुआ था, जो 16th और 19th century के बीच में। सो मूविंग ऑन, डेक्कन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्शन इन आर्ट, कल्चर, ड्रामेटिक, लिंग्विस्टिक, सोशल वैल्यूज, कॉस्ट्यूम, बिलीव्स एंड आइडियाज़। डेक्कन का एक ओन एग्जिस्टेंस था, और वो सारी पेंटिंग्स जो हमने पहले पढ़ी है उन सब स्कूल से डिफरेंट थी। डेक्कनी आर्ट हैज़ 3 डिस्टिंग्विशेबल फेज, जो डेक्कनी आर्ट था उसका 3 डिस्टिंग्विशेबल फेज था। ईरानियन इमिग्रेंट, एक यूसुफ अली शाह नाम के एक ईरानियन इमिग्रेंट थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था आदिल शाही रूल एट बीजापुर। तो जो हमारे एक फेमस इंसान आए हैं और जिन्होंने ओरिजिन करा था बीजापुर में, ये पेंटिंग को फाउंड किया था, ही वॉज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स, उन्हें पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या करा, सेवरल पर्शियन, ईरानियन एंड टर्किश पेंटर्स, कैलीग्राफर्स और स्कॉलर्स को अपने कोर्ट बुलाया ताकि वो उसके अंडर काम कर सकें। अब यहाँ तक तो क्लियर है, अब इसके बाद क्या हुआ हमारे 18th century में जो हैदराबाद था, हैदराबाद का जो किंगडम था वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि हैदराबाद अनदर फॉर्म ऑफ डेक्कनी आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। 18th सेंचुरी में जो हमारा हैदराबाद था वो एग्जिस्टेंस में आया। जो मुग़ल आर्ट था, जो इससे पहले हमने पढ़ा था पूरा मुग़ल स्कूल, मुग़ल आर्ट से बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो हैदराबाद को माइग्रेट करने लगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगज़ेब। आपको तो पता ही है, औरंगज़ेब ने उल्टी गंगा बहाई थी, तो उसने सारी पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो आर्टिस्ट से भी बहुत किलस्ता था। तो सारे आर्टिस्ट माइग्रेट कर गए हैदराबाद में, और उन्होंने एक अलग ही अपना कल्चर स्टार्ट किया डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। ओके, डेवलपमेंट।
लेटर अब क्या हुआ, जैसे जैसे आर्टिस्ट मूव करने लगे हैदराबाद, तो कुछ अफगान्स के फॉलोवर्स जो मोहम्मद तुगलक, ये सब जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, या हम कह सकते हैं साउथ के उन दिनों जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, उन वो भी रिवॉल्ट करने लगे औरंगज़ेब के खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ, और उन्होंने एक इस्टेब्लिश करा अपने एक इंडिपेंडेंट किंगडम अंडर द बाहिमिनी डायनेस्टी, जो जिन्होंने लेटर दे सब डिवाइडेड द किंगडम इनटू 5 सुल्तनेट्स। उन्होंने फर्दर जो डेक्नी, हम कह सकते हैं डेक्नी स्कूल था या फिर डेक्कन जो था, उसको 5 सुल्तनेट में डिवाइड कर दिया, दीदार, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये 5। फ्रेंड्स अगर आप पॉइंट वाइज अपने आंसर को याद करते हैं, आप पॉइंट्स याद कर लेते हैं अच्छे से और उसको खूब अच्छी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखते हैं पॉइंट वाइज, तो एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि इसने कहानियाँ नहीं लिखी हैं इधर उधर की, गाने वाने नहीं लिखे हैं, इसने टू द पॉइंट आंसर लिखा है। तो आप जो आंसर का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद कर लीजिए अच्छे से। तो जो रूलर्स थे जिन्होंने अपना अलग किंगडम बसाया था डेक्कन में, वो ग्रेट पैटर्न थे आर्ट के। तो उन्होंने, हम ऐसा कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेक्कन स्कूल। पहला था द्रविड़ा। द्रविड़ में क्या था, इट वाज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन साउथ, ये पूरा साउथ में डेवलप हुआ था। इन द्रविड़ा टेक्निक मेनली द आर्ट ऑफ स्कल्पचर केम इन टू डोमिनेंस। द्रविड़ा सिस्टम में सिर्फ स्कल्पचर्स डोमिनेशन में आई, जो नटराज वटराज की स्कल्पचर वगैरह थी। बेसार, नॉट मच हैज़ बीन फाउंड इन बेसार टेक्निक, बेसार टेक्निक के बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते। एंड द लास्ट वन इज़ नागर। नागर टेक्निक विच इज़ ऑल्सो नॉन एज आर्यवर्ता स्टाइल वेन टू साउथ आफ्टर इट केम टू नॉर्थ। ये जो था ऑल ओवर इंडिया में फैला नागर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सम मैन्यूस्क्रिप्ट्स राइटिंग पेंटिंग्स बोथ वर इम्पॉर्टेंट इन दैम। जो नागर टेक्निक थी वो इंक्लूड करती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स दोनों ही। सो गाइज, होप आपको आज की कहानी पसंद आई हो, जिसमें हमने ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ डेक्नी स्कूल पढ़ा। मेरे से जितना हो सकता था मैंने उसे इतना ईजी करके समझाया आप लोग को। तो फ्रेंड्स, आपकी ड्यूटी बनती कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। ओके, थैंक यू।